हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गामा बीटा फंक्शन। चलिए आज इस टॉपिक के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ मैं आपको क्या कर सकूँ, आसानी से समझा सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि गामा क्या होता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गामा क्या है। तो गामा क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका एन का फंक्शन होता है। गामा क्या होता है, फंक्शन होता है एन का, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एन और इस वाले सिंबल से। इस सिंबल का मतलब होता है गामा। अगर कहीं पर भी ऐसे सिंबल मिलता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, यानी गामा एन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर एन माइनस के वन डी एक्स। ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एक गामा का फॉर्मूला होता है। तो गामा क्या आएगा, आपके पास फंक्शन ऑफ एन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एन माइनस के वन ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, छोटे चीज में करेंगे, यानी इन गामा का जो इस्तेमाल होता है वो बड़े इंटीग्रल को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, जो बड़े इंटीग्रल होंगे उसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, वो ट्रिक देखते हैं क्या है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि ट्रिक क्या है, तो फिर आपको क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर एन माइनस के वन मिला हुआ है, एक्स की पावर एन माइनस के वन है, जिसका हमने इंटीग्रल सोल्व करा और हमें क्या मिला, गामा एन मिला। ठीक, तो यानी इससे हमें क्या पता चला कि x की पावर n माइनस वन को सोल्व करने पर गामा n मिलता है, यानी इधर वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर क्या है, n माइनस के वन है, और इधर हमें क्या मिलता है, गामा n मिलता है, यानी वैल्यू जो सोल्व होती है वो हमें क्या मिलती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर मिलती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, जीरो से इन्फिनिट e की पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर सेवन डी एक्स। ये कोई आपके पास एग्जांपल ले लिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना मिलेगा हमें, हमने क्या बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर सेवन है, तो आंसर कितना मिलेगा हमें, गामा एन मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर हमने क्या कहा, फाइव ले लिया, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, गामा सिक्स मिलेगा। यानी ये चीज हमें क्या बताती है, वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताते हैं कि इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा गामा फंक्शन को, किसमें मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया। एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हमने कहा जीरो से इन्फिनिट एक्स की पावर नाइन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर कर क्या लिखेंगे, गामा टेन लिखेंगे। यानी बार बार हम इसको इंटीग्रल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, यानी आईलेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उसके कारण इसका इंटीग्रल कितनी बार चला जाएगा आपका, सेवन एट टाइम्स बार चला जाएगा। फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रल उस वाले प्रोसेस से करेंगे, तो जो प्रोसेस से करेंगे तो इसका इंटीग्रल सेवन टाइम हो जाएगा, यानी खूब बड़ा इंटीग्रल हो जाएगा। और आंसर कितना आएगा, जब भी इतना ही आएगा, तो हमें उतना बड़ा आंसर ना ला कर हम क्या करेंगे, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि ई की पावर माइनस के एक्स की पावर अगर सेवन डी एक्स है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। यहाँ पर 5 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6 हो जाएगी, यहाँ पर 9 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 हो जाएगी। ये आपका क्या है, गामा फंक्शन का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट x की पावर n माइनस के 1 e की पावर माइनस के a x और dx। ये आपके पास फॉर्मूला है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस के 1 e a x dx। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, गामा n और a की पावर n। ये आपके पास फॉर्मूला है गामा n, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, गामा n है, इसका फॉर्मूला क्या है, गामा n है, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, a आ जाएगा और जो n होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका भी। जैसे हमने कहा जीरो से इन्फिनिट x की पावर 7 e की पावर माइनस के 3x dx। ये चीज है आपके पास, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, इसका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल गामा 8।
गामा 8 क्यों आया, क्योंकि पावर कैसी है 7 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो 8। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 आ गया। एन है तो कितना आ गया आपके पास, जो यहाँ पर हमारा आया, ये वाला नहीं लेंगे, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो आप ये वाला एन नहीं लेंगे, आप कौन सा लेंगे जो गामा में आया, तो गामा में कौन सा आया आपके पास 8, तो ये वाला इसका आंसर। अगला देखते हैं फॉर न्यूमेरिकल, 0 से इन्फिनिट, एक्स की पावर 9, ई की पावर 4 एक्स डी एक्स, तो इसका फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आएगा, गामा एन अपॉन ए की पावर एन, तो यहाँ पर 9 है तो पावर बढ़ जाएगी एक, तो कितना आया गामा 10, ए कितना है 4 है और उसकी पावर कितनी है एन, और एन कौन सा होगा आपके पास, ये वाला, तो ये वाला इसका आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए हो। आज हम क्या पढ़ेंगे, गामा का सिर्फ एक बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, बुक कही आपकी, जैसे हमने क्या कहा, आपके पास है गामा 1 सॉल्व करना है, आपको क्या सॉल्व करना है, गामा 1 सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, तो देखते हैं, 0 से इन्फिनिट एक्स एन माइनस के 1 ई की एक्स डी एक्स, ये आपके पास है फॉर्मूला। अब एन की वैल्यू कितनी है 1, तो एन की वैल्यू यहां पर रख देंगे 1, तो देखो 0 से इन्फिनिट एक्स 1 माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया 0 हो गया, e की एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिट, जिसकी पावर 0 होती है 1 हो गया, तो क्या बच गया 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कितना होगा, सेम ही रहता है, पावर कैसी है माइनस में, तो माइनस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनिट होगी। अब लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, माइनस माइनस 0 अपॉन माइनस 1, जिसकी पावर इन्फिनिट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, ये कितना हो गया, जिसकी पावर 0 1 और माइनस 1 और माइनस ये रहा तो प्लस 1, तो यानी इसका आंसर कितना आया आपके पास, यानी गामा 1 किसके बराबर आया आपके पास 1 के बराबर है। अगर कहीं पर आपके पास गामा 1 लिखा है तो उसका आंसर कितना होगा आपके पास 1 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब देखते हैं कि ये गामा को हम कैसे सॉल्व करें। गामा आपने पढ़ा है फैक्टोरियल, गामा आपके पास क्या है, हमने कहा जैसे 2 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक फैक्टोरियल की फॉर्म में पढ़ेंगे, फैक्टोरियल की फॉर्म में, जैसे हमने कहा ये चीज है 2 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 3, इसको सोल्व कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हमने कहा 5 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हम इसे सोल्व करते हैं। तो यानी इस चीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे फैक्टोरियल की फॉर्म में सोल्व करेंगे, या इसको हम दूसरी वे में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो इनको सोल्व करने का तरीका ये, ये और ये, ऐसे इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और कुछ फॉर्मूले ड्राइव और कुछ प्रॉपर्टी भी ड्राइव करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को क्या करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।